टोंक की बात करते हैं, जहां पर आदर्श बूथ पर वार्ड 11 के वासियों का हंगामा। पेयजल किल्लत को लेकर मतदान बहिष्कार, जलदाय विभाग के दफ्तर पर उन्होंने हंगामा किया। पानी की सप्लाई नहीं होने पर मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो प्रदेश भर से देखने को मिल रही है कि लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और उसका जो कारण ये रहा कि विकास नहीं हुआ और उसी के तहत लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। कई जगहों से इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही है, कहीं बिजली को लेकर, कहीं पेयजल को लेकर। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार आक्रोशित जो लोग हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि 2014 में भी इसी तरीके से आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का काम नहीं हुआ, और उसी को लेकर यहाँ के जो लोगों में है आक्रोश, और उन्होंने जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर हंगामा कर दिया। पानी की सप्लाई नहीं होने पर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। टोंक आदर्श बूथ वार्ड नंबर 11 का यह मामला है, जहां पर लोग में आक्रोश दिख रहा है।